आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इसे हमारी न्यू वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सोनी टीवी पर दिखाए जाने वाला सबसे विवादित शो पहरेदार पिया की ऑफ एयर हो गया है, जिसके बाद शो के प्रोड्यूसर शशि और सुमित मित्तल का कहना है कि वो जल्द ही दर्शकों के लिए एक दूसरा शो लेकर आएंगे। उसके तो उस शो का भी नाम इसी के ऊपर होगा। एक इंटरव्यू के दौरान शशि ने लोगों को बताया कि शो के बंद होने से उन्हें काफी दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने इस शो के लिए कड़ी मेहनत की थी। शो के बंद होने से उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मिसकैरेज हो गया हो। उन्होंने कहा कि उनके पहले शो के विवादों में पड़ने के बाद वो नहीं चाहते कि उनका अगला शो भी किसी नए विवाद में पड़ जाए, इसलिए वो इस बार शो की स्क्रिप्ट पर खास ध्यान देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने अगले शो के लिए प्राइम स्लॉट भी चाहते हैं। दरअसल शो में नाबालिग कलाकार और कुछ आपत्तिजनक सीन्स को लेकर दर्शकों ने शिकायत की थी, जिसके बाद सोनी टीवी ने आखिरकार इस शो को ऑफ एयर करने का फैसला किया था। मानसी जैन नाम की एक लड़की ने change.org वेबसाइट पर शो को बैन करने के लिए याचिका दायर की थी, जो सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को भेजी गई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने गुहार सुनते हुए मामले को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स BCCC के पास आगे बढ़ा दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने BCCC से शो के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने को कहा था, जिसके बाद इसका टाइम बदल दिया गया था। फिलहाल ये शो ऑफ एयर कर दिया गया है।